सभी की जय है। हमारा नाम आप सबसे रामचंद्र जी पर बनी जरूर देखिए पहले एक उम्मीद थी इस फिल्म से आदि पुरुष से कि आज के युवा पीढ़ी को जागरूक करके हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से जोड़ेगी, लेकिन इस फिल्म में मर्यादा जैसा कुछ भी नहीं था। ये सनातन धर्म के खिलाफ एक आघात करने वाली मूवी है जिससे हमारे समाज को, हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे हिंदू धर्म को खतरे में रखने की ये फिल्म है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें दर्शाई गई हैं जिसे मैं बोलने में भी संकोच कर रहा हूं, क्योंकि इस फिल्म में राम जी का किरदार जो है वो एक सत्य और अहिंसा पे चलने वाली एक छवि थी, लेकिन इसमें उनका जोश, उनका जो व्यवहार है वो प्रभु राम जी जैसा कुछ भी नहीं है। साथ साथ जो हमारे भगवान हनुमान जी हैं उनका एक कॉमेडियन के रूप में दर्शाया जाना अपने आप में एक बहुत बुरी चीज है। मैं डायरेक्टर ओम राव जी से अनुरोध करता हूं कि इस फिल्म में पहले रामायण पढ़ें, उसको जानें, उनके किरदारों को जानें, तब जाके कोई ऐसी प्रस्तुति करें, क्योंकि जब आज का युवा इस फिल्म को देखेगा तो वो खुद इसको कॉमेडी के रूप में समझेगा। हम सब लोगों ने रामायण पढ़ी है और जैसे उसे देखा है वैसे ही उसे देखना चाहते हैं। माता सीता के कपड़ों पर भी एक ऐसा दर्शाया गया है जैसे वो कोई हीरोइन थी, वो सबकी माँ थी, और माँ माने मतलब हम उनकी छवि देखते हैं कि हमें उनमें अपनी माँ नजर आती है, और आप उनको बतौर उनके वस्त्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी आलोचनाजनक था। साथ ही साथ वानर सेना में आपने जो चिंपैंजी कार्टून किरदार दिखा रखे हैं वो सुग्रीव भगवान थे, बाली भगवान थे, अंगद थे, उनके किरदारों को भी एक बजरंग बली को दिखाना, उनको कार्टून किरदार में दिखाना, ये बहुत निंदनीय था। साथ ही साथ जो रावण थे, रावण भी स्वयं एक ब्राह्मण थे, आपने दिखाया कि पुष्पक विमान जो है वो चमगादड़ बन गया, चमगादड़ को रावण मांस खिला रहे हैं जबकि वो खुद एक ब्राह्मण थे, और एंड में उनको रामचंद्र जी को मुक्कों से मारा जा रहा है, रावण अपने स्टाइल में मार रहा है, ऐसा लग रहा था कि हीरो रावण है कि राम जी, यही नहीं समझ में आया। और प्रभास का जो किरदार था वो अपने आप को बीच में उनका बाहुबली जाग गया, वो बाहुबली रूप में बोलने लगे, राम जी में जरा सा भी क्रोध नहीं था, वो प्रेम के, मर्यादा के पुरुषोत्तम राम थे। वो था ना सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष, त्याग बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। हमें इस फिल्म में राम का संघर्ष तो बिल्कुल नहीं दिखा, लेकिन भगवान राम का मजाक जरूर देखने मिला। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से और सभी सरकारों से अनुरोध करता हूं कि इस फिल्म को प्रतिबंध लगाकर बैन किया जाए, क्योंकि आने